सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। ओंकारेश्वर से श्री राम मंदिर में स्थापित होने वाले शिवलिंग का विमल द्विवेदी जी ने किया भव्य स्वागत। आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से 600 किलोग्राम वजनी नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि अयोध्या में बन रही श्री राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जिसका आज उन्नाव पहुँचने पर नवीन मंडी के सामने हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी व जिला प्रचारक जितेंद्र द्वारा मंच के साथियों के भव्य शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रथ का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, विकास सिंह सेंगर, मनीष अवस्थी, सुरेश सिंह सेंगर, सुनील भदवारिया, तुषार अवस्थी, योगेंद्र तिवारी, आदित्य शिवम, अखिल मिश्रा सहित आधा सैकड़ा शिव भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। आज ओंकारेश्वर से नर्मदेश्वर महादेव जो कि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में स्थापित होने वाले हैं, उनके रथ का हिंदू जागरण मंच के द्वारा एक भव्य स्वागत। ये शिवलिंग विशाल का शिवलिंग है जिसमें जो कि वजन है लगभग 600 किलोग्राम का वजन है, जो कि भव्य राम मंदिर में स्थापित होने जा रहा है। जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है। उसी में आज उन्नाव पहुँचने पर हिंदू जागरण मंच द्वारा भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर उनको रथ का भव्य स्वागत किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।